राजसमंद जिले के देवथड़ी में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बाल संप्रेक्षण गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी नहीं मिलने पे ऐसी सुरक्षा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 17 बालक उपस्थित थे। बालकों से संवाद कर उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए उनके प्रकरण से संबंधित जानकारी ली। गृह प्रभारी द्वारा विधि से संघर्षरत सभी बालकों की जमानत आवेदन किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाना बताया गया। गृह में मिलने वाले सभी सुविधा, भोजन व जल व्यवस्था, सफाई इत्यादि का जायजा लिया गया एवं खाने में दाल चावल दिए गए। विशेष गृह में एक बालक बीमार प्रतीत होना पाया। श्री वैष्णव ने चिकित्सा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सुविधा दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया और सभी बालकों के लिए बताया कि रोहित कटारिया द्वारा 9 मार्च को चिकित्सा जांच की गई। श्री वैष्णव ने कोरोना वायरस की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के वक्त अधीक्षक किशोर गृह के विकास विजय वर्गीय मोना नंदवाना उपस्थित मिले।